हेलो एवरीवन इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स द एयर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजिट द मोशन एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ टाइम ऑफ एसेंट इज टी वन एंड टाइम ऑफ डिस टी टू विच टाइम इज ग्रेटर तो अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पहले टाइम ऑफ एसेंट के लिए टाइम ऑफ एसेंट है ना टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे मैंने ये एक बॉल माना और इस बॉल को ऊपर की ओर हम फेंकेंगे इनिशियल स्पीड यू यहाँ पे फाइनल स्पीड हो गई जीरो फाइनल स्पीड जीरो ठीक अब देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है टी अब इस चीज़ को समझिएगा जब ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है तो इस वाली बॉडी के ऊपर नीचे की ओर एक फ़ोर्स लग रहा होगा एम जी बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर रजिस्टेंस भी नीचे लग रहा होगा एयर रजिस्टेंस मैंने आर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया तो अब इस बॉडी के ऊपर एक्सलरेशन कितना होगा मतलब कि दैट इज़ रिटार्डेशन रिटार्डेशन ऑफ द बॉल ऑफ बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जब ये ऊपर जा रहा है अपवर्ड मोशन ठीक है तो अब इस चीज को समझते हैं बेटा जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो ये रिटार्डेशन को मैंने बोल दिया ए वन और ये कितना हो जाएगा जी प्लस आर एम जी प्लस आर डिवाइडेड बाय एम क्योंकि तो ये दोनों अपोजिंग फोर्स हैं तो ए डैस की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस आर बाय एम दिस इज द रिटार्डेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन अब बात आती है कि टाइम कितना लगेगा तो टाइम के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये हाइट जा रहा है एच अब हमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि जब बॉडी एक कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से मूव कर रही हो और एक स्टेट पाथ पर मूव कर रही हो तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो चाहे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो कोई सी वेलोसिटी जीरो हो कोई भी एक वेलोसिटी अगर जीरो होती है तो हम एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्टली लगा लेते हैं तो अब यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है एच हाफ ए वन की वैल्यू कितनी है जी प्लस आर डिवाइडेड बाई एम और टाइम की वैल्यू कितनी है टी वन स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा टी वन की वैल्यू हमें पता लगी तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं ठीक है ना अब हम बात करते हैं फॉर टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ डिसेंट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ डिसेंट वाले केस में ये हमारे पास ये हॉर्जेंटल ग्राउंड है और इस हॉर्जेंटल ग्राउंड के ऊपर ये वाला जो फेरिकल बॉल है इस पर नीचे की ओर एम फोर्स लगेगा और इसकी विलॉसिटी भी नीचे की ओर होगी उस कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर होगा इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर ठीक है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो अब जब ये होगा तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा क्योंकि तो बॉडी नीचे ही आ रही है और इसका एक्सलेशन ऑफ बॉडी डेट इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए टू और यहाँ पे एम जी तो फोर्स नीचे लग रहा है अपोज क्या कर रहा है रजिस्टेंस एयर रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय मास ए टू की वैल्यू हो जाएगी जी बाय जी माइनस आर बाय एम ठीक है ये हमारा ए टू हो गया क्लियर ए टू हमें पता लग गया अब हम बात करेंगे एच हाइट जो ये एच हाइट यहाँ से यहां तक आएगा वापस और ये टी टू टाइम में आएगा टाइम ऑफ डिसेंट में तो वो देखते हैं तो हमें पता है कि या तो इनिशियल लॉस्टी क्योंकि यहाँ पे जब बॉल थी तो इसकी इनिशियल लॉस्टी कितनी थी जीरो तब तो यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू टी टू स्क्वायर इनिशियल लॉस्टी जीरो एस के वैल्यू एच हाफ ए के वैल्यू जी माइनस आर बाय एम और ये टी टू स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर सेकेंड तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम देखेंगे कि एच की वैल्यू जो है हाफ जी प्लस आर बाय एम ये टी वन स्क्वायर और हाफ जी माइनस आर बाय एम टी टू स्क्वायर हाफ से हाफ कट गया टी वन बाय टी टू का होल स्क्वायर डेट इज जी माइनस आर बाय डिवाइडेड बाय जी प्लस आर बाय ठीक अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ठीक यहाँ पे टी वन डिवाइडेड बाय टी टू इज इक्वल टू अनूट में जी माइनस आर बाय जी प्लस आर वाई एम तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि टाइम ऑफ डिसेंट जो है इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होगा ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हों आप लोगों के पास सबसे जल्दी पहुँच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके बाय